पूर्व में जिस घर में रहते थे वहाँ खूब बरकत थी, धन लाभ था, इसके साथ साथ सुख शांति समृद्धि थी। लेकिन यह घर कुछ समय पूर्व ही बनाया गया है, 30x50 में यह घर नवनिर्मित किया गया है। इस घर में आने के बाद बहुत ज़्यादा धन हानि, व्यापार में गिरावट और इसके साथ स्वास्थ्य में गिरावट यह देखने को निरंतर मिल रही है। आज जैसे कि मनीष सर ने मुझे ग्वालियर में वास्तु विजिट के लिए बुलाया हुआ है, आज यहाँ पर वास्तु विजिट करके देखता हूँ तो सर का घर पूर्व मुखी मानते हैं, लेकिन पूर्व 20 डिग्री घुमा होने के कारण सर ने यह दिखाया, सर ने यह मुख्य द्वार पूर्व और उत्तर के कोने में ईशान कोण में निकाला है कि ईशान कोण का शुभ दरवाजा शुभ होता है। लेकिन 20 डिग्री घूमने के कारण इनका जो चौथे नंबर का पद होता है जिसको इंद्र द्वार बोलते हैं पूर्व दिशा का, वह यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर आने के कारण इसके शुभ फल सर को प्राप्त नहीं हो पा रहे। इसके साथ साथ सबसे बड़ी जो हानि होती है, किसी भी घर में ईशान कोण में अगर सीढ़ियाँ बन जाती हैं 100% उस घर में धन हानि होती है। धन हानि चाहे किसी भी कारण हो, अगर आपके स्वास्थ्य में गिरावट होगी तो निरंतर पैसा आपका बहेगा, या व्यापार में हानि होगी या दूसरा व्यक्ति आपका पैसा खा जाएगा। ये ईशान कोण की सीढ़ियाँ निश्चित रूप से किसी भी घर में पूरी अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को, व्यक्ति की हिलाकर फेंक देती है। इसके साथ साथ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट जोन, इसके जस्ट पीछे की बात करते हैं, उसमें भी बॉस एरिया बना हुआ है। एग्जिट उसके बाद नॉर्थ जोन, उसमें भी टॉयलेट बना दिए गए, तो इसके कारण पूरा जो पैसे की फाइनेंस स्थिति है बिल्कुल बिगड़ती जा रही है। और आज यहाँ पर सर की और भी स्थिति देखते हैं, और भी बहुत सारी कमियाँ पाई गई। आज सर को विभिन्न प्रकार के उपाय बताए गए हैं, एनर्जी को बूस्ट करने के उपाय बताए गए हैं, इसके साथ साथ कलर चेंज करने के उपाय बताए गए हैं, इसके साथ साथ बिना तोड़फोड़ के और कैसे संभव हो सकता है, सारी चीज़ों के उपाय बताए गए हैं। निश्चित रूप से सर यह उपाय करेंगे तो सर को सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कृपया सर आप सभी को बताएं कि इसके पूर्व जिस घर में रहते थे तब वहाँ कितनी बरकत थी, और इस घर में आने के बाद क्या क्या परेशानी आपको आ रही है। इसके पूर्व जिस मकान में रहता था वहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, ना आर्थिक, ना मानसिक, ना शारीरिक। यहाँ पे आने के बाद मेरी बेटी के दाग धब्बे चालू हो गए, आर्थिक नुकसान चालू हो गया, आए दिन कोई ना कोई एक नई समस्या उभर के आने लगी, कुछ ना कुछ आज उठे कल कोई समस्या आ गई, कभी लाइट का फॉल्ट हो जाना, कभी उससे नुकसान हो जाना, कभी बीमारी में पैसे लग जाना, कभी व्यापार में नुकसान होना, कभी सारे डील क्लियर होने के बाद कैंसिल हो जाना, सारी चीज़ों में मेरा नुकसान ही हो रहा है। आज सर को यहाँ पर बिना तोड़ फोड़ के उपाय बताए गए हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी कमियां आएँ, मतलब 100 में से 100% ही घर गलत बना हुआ है। लेकिन व्यक्ति अपने जीवन की जमा पूंजी मकान बनाने में लगा देता है, लेकिन मात्र वास्तु को अनदेखा कर देने से या व्यवस्थित वास्तु न करने से व्यक्ति के जीवन में काफ़ी सारी समस्याएं आती हैं जिनको वो भोगता है। आज यहाँ पर जो भी उपाय बताए गए हैं, निश्चित रूप से सर आप यह उपाय करेंगे तो आपको 100% सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। आपने मुझसे जिस विश्वास से विजिट कराया उसके लिए धन्यवाद, सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।